और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित कर दिया गया है, आयोग का गठन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने आयोग का गठन किया है, 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है, समर्पित आयोग का ये गठन हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग का गठन कर दिया गया है, सरकार ने आयोग गठित कर दिया है, ये 5 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ है जो समर्पित आयोग है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग गठन की बात सरकार ने कही थी और अब ये आयोग गठित हो भी चुका है। 5 सदस्यीय आयोग बताया जा रहा है, ये समर्पित आयोग है जो कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अब आगे काम करेगा। यहाँ 3 स्तरीय जो आरक्षण प्रणाली है उसके तहत अब काम किया जाएगा इस आयोग के द्वारा और उसके आधार पर ही निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा, जहां सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि बिना ओबीसी आरक्षण के वे चुनाव नहीं कराएंगे, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही अब आपको निकाय चुनाव कराना होगा। शैलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, शैलेश बताएं इस आयोग के बारे में। और देखिए, जैसा सरकार ने पहले ही कहा था, हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब एक आयोग का गठन किया जाएगा, वो ट्रिपल टेस्ट की जो कार्रवाई है उसको भी किया जाएगा और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई के बाद में ही अब जब ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होगा तभी निकाय के चुनाव कराए जाएंगे। और इसी कड़ी में देखिए, सरकार ने कोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन यानी आज आयोग का गठन कर दिया है, 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। ये पूरा एक डेडिकेटेड आयोग होगा यानी समर्पित आयोग जो इस पूरी प्रक्रिया को अब करेगा और उसके बाद जो ट्रिपल टेस्ट की चाहे कार्रवाई हो चाहे उसके बाद सभी जगह पर सर्वे कराना हो, यानी ओबीसी की आबादी कितनी है उनके लिए आरक्षण निर्धारण से पहले इन सभी चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद में ये आयोग जो है अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद आगे निकाय चुनाव की प्रक्रिया को किया जाएगा। हालांकि आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, इनके नाम जो है वो अभी नहीं बताए गए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि आयोग का गठन कर दिया गया है, 5 सदस्यीय आयोग है। और एक चीज आपको और बताएं कि पहले ही ये माना जा रहा था कि आयोग जो होगा वो या तो 3 सदस्यीय होगा या 5 सदस्यीय होगा, और देखिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है सरकार ने। और देखिए, लगातार जो आप देखें हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला आया, उस फैसले के आने के बाद से ही लगातार विपक्षी जो थे वो सरकार के ऊपर हमलावर हो रहे थे, सरकार को, भाजपा सरकार को पिछड़ा विरोधी बता रहे थे, उसके ऊपर पिछड़ा विरोधी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने देखिए एक बयान जारी किया था और मुख्यमंत्री ने, और देखिए आपको एक और ताजा अपडेट दे दें, जो ये आयोग है उसमें देखिए सदस्यों के नाम सामने आ गए हैं, इसमें रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह जो है वो अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसके अलावा सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चोप सिंह वर्मा को सदस्य बनाया गया है, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार इसमें सदस्य बनाए गए हैं, इसके अलावा भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा को सदस्य बनाए गए हैं, और जो चौथे सदस्य बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं जिला जज रहे हैं जो ब्रजेश कुमार सोनी, उनको इसमें सदस्य देखिए बनाया गया है। और इस के बाद अगर हम ये जो पूरा डेडिकेटेड आयोग बनाया गया है वो जो पद धारण करने की तिथि है 6 महीने की अवधि के लिए ये आयोग होगा। उत्तर प्रदेश राज्य स्थायी निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका गठन किया गया है और फिलहाल इस आयोग की अगर बात की जाए तो इसको रिपोर्ट कितने समय में देनी है, कब तक देनी है, इसके बारे में अभी जिक्र नहीं किया गया। आदेश देखिए जारी हो गया है, कुछ ही देर में हमारे दर्शक इस आदेश को भी अपनी एबीसी जनता की टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो देखिए सदस्यों के नाम भी सामने आ गए हैं और ये बता दिया गया है, उसकी अधिसूचना जो है नगर विकास विभाग की तरफ से वो जारी कर दी गई है इस आयोग के गठन की। और इसके साथ आपको बता दें कि राज्यपाल से जिससे अनुमति ली गई सरकार ने दी और उसके बाद में यहाँ ये आयोग जो है उसको गठित किया गया है। ये पूरा जो आयोग है ये समर्पित पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाया गया है, 6 माह की अवधि के लिए इसको बनाया गया है, जिसको राम अवतार सिंह जो कि रिटायर्ड जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में ये पूरी जो आयोग है 5 सदस्यीय वो अब जो प्रक्रिया है पूरी आरक्षण के निर्धारण को लेकर वो पूरा अपना काम करेगी और इसके अलावा वो अपनी रिपोर्ट जो है वो देगी बहुत जल्द। देखिए कितने समय में इसको अपनी रिपोर्ट देनी है, ये चीजें भी जैसी सामने आएंगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये कि निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही है सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, उस बीच में जिस तरह से भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि अब सरकार जो है वो पहले आयोग का गठन करेगी, ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जब आरक्षण
का निर्धारण हो जाएगा ओबीसी के लिए, उसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल, और शैलेश इस पर जो तत्परता है सरकार की वो नजर आ रही है कि कितनी जल्दी इस आयोग के गठन का फैसला भी ले लिया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, शैलेश जो आपने नाम भी दोहराए हैं, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ये आयोग गठित किया गया है 6 महीने के लिए, लेकिन देखना होगा कि कितनी जल्दी ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है जिसके आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय किया जाएगा और उसके बाद नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है, समर्पित आयोग गठित हो चुका है, रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में ये आयोग अब काम करेगा, ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा, इसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी। 3 स्तरीय जो पूरी प्रक्रिया है ओबीसी आरक्षण को तय करने की, अब पूरी प्रक्रिया का पालन यहां होता नजर आ रहा है। कोर्ट ने जिस तरह से यह साफ कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही आप निकाय चुनाव कराएं, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इस पर आयोग का गठन किया जाएगा। और तत्परता दिखाते हुए ओबीसी आरक्षण के लिए गठित कर दिया गया है आयोग। शैलेश अब बताएं कि, और भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, जहां कई आरोप आप पर विपक्षी पार्टियों के लग रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी दिखाई सरकार ने और आयोग का गठन भी अब कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की मंशा स्पष्ट है। हमने जब रैपिड सर्वे के आधार पर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, तब भी ये स्पष्ट था कि उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण विहित था। उसमें 27% अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षित था, आरक्षण था। और अभी अनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो परिस्थितियां बदली थी, उन बदली हुई परिस्थितियों में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक होगा तो पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करके जो ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई करने की ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपेक्षा की है, हम उसको पूरा करने के बाद, पिछड़ों का आरक्षण तय करने के बाद ही निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन बिना पिछड़ों के आरक्षण के निकाय चुनाव संपन्न नहीं होंगे। ये मनसा सरकार ने बिल्कुल दो टूक स्पष्ट कर दी थी, विपक्ष इसको लेकर के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन राकेश जी ये भी तो बात है ना कि ये काम अगर पहले कर लिया जाता, जैसे कि विपक्ष कह रहा है कि अगर तय प्रक्रिया के मुताबिक ही पहले चला जाता तो अब तक चुनाव हो भी चुके होते, पिछली बार दिसंबर में चुनाव हो चुके थे। नहीं देखिए, चुनाव को लेकर के जो रैपिड सर्वे का निर्णय लिया गया था जिसके आधार पर 2017 के चुनाव हुए और इससे पहले के जो 5 निकाय के चुनाव हुए हैं उस रैपिड सर्वे के आधार पर ही हुए हैं। रैपिड सर्वे के आधार पर हमेशा चुनाव होते रहे और उत्तर प्रदेश ने उसी तय प्रक्रिया का पालन करने का सुनिश्चित किया था। लेकिन उसका जवाब तो कोर्ट ने दे दिया आपको कि अगर एक बार गलती हुई है तो क्या उसे आधार बनाकर बार बार गलती की जाएगी, इसका जवाब तो राकेश जी दे दिया था कोर्ट ने ही खुद। नहीं ठीक है, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल कोर्ट का फैसले का सम्मान करेगी, उसका पालन करेगी। लेकिन जो प्रोपेगेंडा आज विपक्ष फैलाने का प्रयास कर रहा है कि हम ओबीसी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं या बिना आरक्षण के चुनाव कराना चाहते हैं, तो इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट राय है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा। और जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपनी, ठीक है, राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी भी अब जुड़ चुके हैं। राकेश जी आपको रोकना चाहूंगी, राजीव जी, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता हैं, वे कह रहे हैं कि देख लीजिए हमने तो कहा था कि ओबीसी हितैषी है, आरक्षण हितैषी है सरकार, और कितनी जल्दी हमने दिखाया, आयोग का गठन कर दिया, आप क्या कहेंगे? ये ऐसी सरकार है जिसकी न जनभावनाओं का कदर है न संविधान का कदर है। आप अगर इनकी क्रोनोलॉजी को देखिए, चाहे कोई भी बड़ा मामला हो, हाथरस और उन्नाव के मामले से लेकर ये ताजे मामले तक, जब तक कोर्ट इनको फटकार नहीं लगाती है, इनके ज्ञान चक्षु नहीं खुलते हैं, इनको समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 साल पहले का था, 2 और 3 अन्य राज्यों में भी इस तरह हो चुका था नहीं करने की वजह से, कि जानकारी तो इनको थी, ये बैकफुट पर आ गए हैं, लिपापोती करना चाहते हैं और फिर सभी के लिए। लेकिन राजीव जी यहाँ इनका कहना है, ये भी कहना है कि कोर्ट ने तो हमें ऑप्शन दिया था ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करा लीजिए, लेकिन हम तो ओबीसी हितैषी हैं इसलिए ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया और फिर ही चुनाव कराएंगे। इनको अंदाजा नहीं था कि इतना तीव्र गति से विरोध होगा विपक्ष पार्टियों से, जनता से और पिछड़े वर्ग से। ये बैकफायर हो गए, जो इनकी साजिश थी एक्सपोज हो गए। कौन सा ज्ञान की जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले बता दिया है, उसके बावजूद आप कहीं मनमानी कराना चाहते हैं? अगर साफ होते तो कर दिया होता है ना, कौन से सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले बता दिया था, आप पहले का उदाहरण दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खाली 1 साल पहले का फैसला है, उसको क्यों नहीं माना आप?
ठीक है, लेकिन राजीव जी जिस तरह के आंदोलन समाजवादी पार्टी भी अब इसके खिलाफ, क्योंकि आपने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बताया है यहाँ भाजपा को, प्रदेश सरकार को, अब क्योंकि आयोग का गठन कर दिया गया है, तो जो आपका हल्ला बोल था इसके खिलाफ क्या अभी भी जारी रहेगा? आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो भी ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह सरकार की मंशा साफ हुई है उसे लेकर एक आंदोलन करेंगे 2 तारीख को, तो क्या अभी भी जो आपका विरोध है वो जारी रहेगा इसके खिलाफ? मैं आपसे चाहूंगा कि आप इनसे सवाल करें कि सबके बावजूद जो इन्होंने वाइस चांसलर और प्रोफेसरों की नियुक्ति करी है उसके लिस्ट के बारे में कुछ कहेंगे क्या? वहाँ सिर्फ एक जात बिरादरी के अलावा कोई और नहीं दिखता इनको? जितने वाइस चांसलर हैं उनकी लिस्ट जारी करें, जितने डीएमएसपी हैं उनकी लिस्ट जारी करें, जितने प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई उनकी लिस्ट जारी करें, इनके नियत का सबसे बड़ा प्रमाण वही मिल जाएगा। जारी करो ना, सच साच बात क्या? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ रखने के लिए, और राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर आयोग का गठन कर दिया गया है। 5 सदस्यीय ये आयोग का गठन है जो कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगा। शैलेश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। शैलेश बताएं, कुछ और अपडेट है इस मामले पर? देखिए, 5 सदस्यीय जो ये आयोग है इसको अब वक्त दिया जाएगा, बताया जाएगा कि उनको कितने समय में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्योंकि निकाय चुनाव में देरी ना हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना है। क्योंकि देखिए, पहले आयोग अपना पूरा काम करेगा, उसके लिए ट्रिपल टेस्ट होगा, यानी जो एक पूरा सर्वे किया जाना है वो भी उसका काम किया जाएगा। उसके बाद जब आयोग की रिपोर्ट आएगी, पूरा सर्वे रिपोर्ट जो है आएगी, उसके बाद में अब आगे निकाय चुनाव की प्रक्रिया को किया जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से अब जो अगला कदम होगा वो ये कि आयोग को बताया जाएगा, उन्हें अपनी रिपोर्ट जो है वो कितने समय में सबमिट करनी है, कितने समय में अपनी रिपोर्ट देनी है, ओबीसी आरक्षण को लेकर कितने समय में उनको अपना पूरा जो सर्वे करना है वो काम पूरा करना है, और उसके आधार पर जब वो रिपोर्ट शासन को मिल जाएगी उसी के आधार पर आगे ओबीसी आरक्षण का निर्धारण होगा। उसके आधार पर ये तय होगा कि कौन सी सीट ओबीसी आरक्षित होगी, कौन सी नहीं होगी, और उसके बाद में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए, सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, खुद मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया था, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया था कि अब एक आयोग का गठन किया जाएगा, वो आयोग जो होगा, जो कमीशन होगा, वो पूरी प्रक्रिया को करेगा, जो ओबीसी आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया है, जिस वक्त कोर्ट के निर्देश हैं, जो ट्रिपल टेस्ट कराना है, उन सारी चीजें ठीक है। शैलेश ये भी बताइए कि क्योंकि अब ये आयोग का गठन हो गया है और अंदाजा जिस तरह से लगाया जा रहा था कोरोना को लेकर भी, बोर्ड एग्जाम को लेकर भी, तो उसके बाद कहा जा रहा था कि लगभग 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन जितनी जल्दी ये काम आगे बढ़ रहा है, आयोग का गठन हो गया, तो ऐसे में क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या समय सीमा रह सकती है अब चुनावों की? देखिए, हमने जो बात पहले कही थी कि आज भी अगर आयोग का गठन किया गया है तो भी ये मान कर चलिए उसे वक्त चाहिए होगा इन चीज़ों के लिए। उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया को करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए जिस तरह से पूरी जो आयोग है उसको काम करना होगा, ट्रिपल टेस्ट कराना, पूरा सर्वे कराना हर ज़िले का, 75 जिले हैं वहाँ पर, और उनका जितने नगर निकाय हैं वहाँ पर देखना चीज़ों को, ओबीसी की जो संख्या है उसको देखना, ये इतना आसान काम नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आयोग को इसके समय चाहिए होगा, और उस समय के बाद में जब प्रक्रिया आगे होगी, अधिसूचना देखिए इन सब चीजों के बाद में जारी होगी, यानी जब पहले सर्वे का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से वही एक प्रक्रिया के जो एक अनंतिम सूची जारी की जाती है कि यानी उस पर किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सके, उसके बाद में अंतिम सूची, फिर उसके आधार पर निर्वाचन आयोग जो है वो अधिसूचना जारी करेगा, जब नगर विकास विभाग की तैयारी पूरी हो जाएगी, यानी जब सरकार की तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद में निर्वाचन आयोग की अधिसूचना वहां से जारी होगी, उसके बाद देखिए चुनाव की प्रक्रिया होगी। चुनाव की खाली प्रक्रिया की अगर बात करते हैं है और समय लग सकता है, चैलेंज जैसा आप बता रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।